हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे। तो मैं ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ अभी आफ्टर से, यानी कि दोपहर से। और इस ब्लॉग में आपको देखने को मिलेगा मेरा आफ्टर टू इवनिंग रूटीन। और आफ्टर में मैं यहाँ पर किचन में सुबह दूध पकाना मैं भूल गई थी मॉर्निंग में, इसलिए मैंने अभी दूध पकने के लिए रख दिया है। और साइड बाय साइड यहाँ पर मैं फुल्कियाँ सेक रही हूँ। और श्रेय आज स्कूल नहीं गया है क्योंकि उसकी तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी, उसको हल्का सा फीवर था, इसलिए मैंने उसको स्कूल नहीं भेजा है। तो मैंने उसको नहला कर और फिर मैं यहाँ पर उसके लिए गर्मा गर्म फुल्कियाँ बना रही हूँ। उसके बाद फिर मैं और श्रेय हम दोनों ही मिलके खाएंगे। और अभी मॉनसून है और मॉनसून में हल्का सा वायरल इन्फेक्शन बच्चों को बहुत ही जल्दी लग जाता है, बहुत ज़्यादा ही फैला हुआ है ये वायरल इन्फेक्शन। खास ध्यान रखें आप अपने बच्चों का। और वायरल इन्फेक्शन में कम से कम 3-4 दिन आपके टूट जाते हैं अगर बच्चे स्कूल जाते हैं, टेस्ट वगैरह चल रहे हैं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाती है, स्पेशली छोटे बच्चों को। चाहे छोटे हों या बड़े, लेकिन बच्चे बच्चे होते हैं, राइट? तो मॉनसून में स्पेशली ध्यान रखें आप अपने बच्चों का, उनकी केयर करें। अभी इस टाइम मच्छर भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं सभी जगह पर, तो इस सारी चीज़ों का बहुत अच्छे से ख्याल रखें। और बच्चों को जो है फुल कपड़े, वो लाइट कलर के कपड़े होते हैं, वो ज़्यादा पहनाएं ताकि बच्चों को जो है मच्छर से बचाव हो सके। जब बच्चे खेलने जाते हैं तब उनका ध्यान रखें कि दूसरे बच्चों को जुकाम है तो वो ज़्यादा उनके कांटेक्ट में ना पाएं, तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए खाना मैंने बना लिया है, चपाटियाँ सेक ली हैं और साथ ही साथ यहाँ पर दूध भी मेरा पक कर रेडी है। और ये है गाय का दूध जो बहुत ही बेनिफिटेड होता है बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सभी के लिए। और आज मैंने लंच में बनाया था कटहल की सब्जी, मूंग की दाल, और ये है प्याज की लाल चटनी और चपाटियाँ गर्मा गर्म। तो मूंग की दाल मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है और ये मैं किस तरीके से बनाती हूँ मैंने आपको पहले रेसिपी दिखाई है और भी मैं अगले आने वाली वीडियो में ज़रूर दिखाऊंगी। तो उसके बाद फिर मैं और श्रेय हम दोनों साथ में ही खा रहे हैं। अभी तो उसकी तबीयत काफ़ी ठीक है, अच्छी है, और गर्मी बहुत ज़्यादा है इसलिए मैंने उसको बहुत ज़्यादा कपड़े नहीं पहनाए क्योंकि अभी घर में ही रहना है। तो जब वो शाम को खेलने जाएगा उसके बाद फिर मैं उसको अच्छे से क्लोथिंग कर दूंगी। और यहाँ पर वो बोल रहा है, मम्मा मैं आपको खाना खिलाती हूँ, आप श्रेय हो और मैं मम्मा हूँ। तो बस ऐसी ही मस्ती हम लोगों की चलती रहती है, कभी वो मम्मा बन जाता है तो कभी मैं श्रेय बन जाती हूँ। तो बस इस तरीके से मैं मस्ती करती रहती हूँ उसके साथ। और बस उसने मुझे खाना खिला दिया है, उसके बाद फिर वो देखिए प्रे कर रहा है भगवान को और फिर खाना खा रहा है। एक्चुअल में उसने पहले खा लिया था लेकिन फिर उसको याद आया कि मैंने भगवान को नहीं प्रे किया, तो वो प्रे कर रहा है, उसके बाद फिर खा रहा है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। और अभी दोपहर है और मैंने बिल्कुल इतना इतना सा रेस्ट किया है और मैं उठ गई हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा नहीं, मैंने सिर्फ आधा पौना घंटा ही रेस्ट लिया है खाना खाने के बाद, फिर मैं उठ गई थी। और उठने के बाद अब मैं कुछ घर का थोड़ा पड़ा हुआ स्किप वर्क करूंगी, जैसे कि अगर मुझे यूट्यूब का कुछ वर्क करना होता है, एडिटिंग वीडियो करना होता है तो मैं वो वीडियो की एडिटिंग करती हूँ, या तो फिर घर में अगर मुझे आयरन करना होता है तो फिर मैं वो आयरन करती हूँ, या तो फिर कुछ स्नैक वगैरह बनाना, क्योंकि आप जानते हो मैंने आपको बहुत सारे बार बहुत सारे पिछले वीडियो में दिखाया है कि हमारे घर में स्टोर किया हुआ स्नैक बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। फ्रेश बनाया मतलब बहुत फ्रेश बनाया हुआ स्नैक थोड़ा सा हैवी हो जाता है, जैसे कि चीले हो गए और सूजी का कुछ नाश्ता, वो इस टाइप के, या फिर पकोड़े बहुत ज्यादा कम पसंद करते हैं एज अ स्नैक हमारे घर में। तो बस मैं वही स्नैक बनाती हूँ, कुछ भी मतलब काम करती हूँ, क्योंकि अभी इस टाइम श्रेय सो रहा है तो ये बहुत सही वक्त है। आप घर का जो भी स्किप पड़ा हुआ वर्क हो आप उसको कर सकते हो।
तो बस आज मुझे बनाना है स्नैक, और ये स्नैक है, इसका नाम है मठरी। और ये मठरी जो नमकीन है, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही सॉफ्ट मठरी मैं आज आप सभी लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो चलो देर नहीं करते, फटाफट से चलते हैं किचन में, नहीं तो फिर श्रेय जाग जाएगा, और बनाते हैं मठरी नमकीन। तो यहाँ पर हमें मठरी नमकीन के लिए, यहाँ पर मैंने मैदा ले लिया है, मैदा है मेरा 3 कटोरी, 3 कटोरी मैदा लिया है। और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ अजवाइन, इस तरीके से हाथों से मसलते हुए क्रश करके डालना है, इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है। और यहाँ पर डाल दिया है मैंने स्वादानुसार नमक, और मैंने यहाँ पर सूजी नहीं ली है, आप चाहो तो सूजी भी डाल सकते हो, और बहुत ही और भी क्रंची कुरकुरे बनेंगे आपकी मठरी नमकीन। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया है थोड़ा सा ऑयल, और मैं सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दूंगी। ऑयल जो है वो आपको थोड़ा ज़्यादा ही लेना है, क्योंकि मोयन जो है वो हमें अच्छा ही लगाना है मठरी नमकीन में, ताकि अच्छे से हमारी सॉफ्ट बने। तो यहाँ पर देखो हमारा लड्डू अच्छे से बनने लगा है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा ऑयल और डाल दूँगी, ताकि और भी अच्छा सा मोयन इसमें लग जाए। क्योंकि यहाँ पर मैं बेकिंग सोडा बिल्कुल भी नहीं डाल रही हूँ, कई लोग बेकिंग सोडा यूज़ करते हैं और मोयन कम लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने मोयन अच्छे से लगा दिया है, इसलिए मुझे बेकिंग सोडा की ज़रूरत नहीं पड़ी। और बस हल्के से पानी के छींटे इस तरीके से स्प्रेड करते हुए, और हमें एक डो यहाँ पर प्रिपेयर कर लेना है। एक्चुअल में ये मैदा है और हमने मोयन भी लगाया है, तो थोड़ी सी आपको दिक्कत होगी, लेकिन यकीन मानिए इसमें जो आपको इस रेसिपी में जितनी भी टिप्स एंड ट्रिक्स बता रही हूँ ना, और वो टिप्स एंड ट्रिक्स से आप अगर मठरी नमकीन बनाओगे तो बहुत ही सॉफ्ट बनने वाली है नमकीन। और इससे सॉफ्ट मठरी नमकीन आपने यकीन मानिए कहीं भी नहीं देखी होगी, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट। और इस तरीके से हमें पानी जितनी भी आपको ज़रूरत हो उतना आप पानी लगा लगा कर और डो प्रिपेयर करना है। हमें बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करना है, ना ही बहुत ज़्यादा लूज़ करना है, जैसा हम पूरी बनाते हैं ना व्हीट फ्लोर से, बस उसी तरीके सा। तो यहाँ पर देखिए डो हमारा प्रिपेयर हो गया है, अब हमें इसको थोड़ा सा गलाना पड़ेगा, इसलिए 15 मिनट के लिए रेस्ट पर रख देती हूँ मैं अच्छे से ढककर। तो यहाँ पर देखिए 15 से 20 मिनट मैंने इसको ढक के रखा, और ये देखिए कैसे दाने टाइप के हो गए हैं। और ये जो दाने दाने आपको दिख रहे हैं ना, वो है नमक है ये, और हमारा जो डो है, जो हमारा मैदा है, वो अच्छे से गल चुका है, लेकिन फिर भी हमें अच्छे से और मसलना है, ताकि वो थोड़ा सा और चिकना हो जाए। पूरी अच्छी तरीके से चिकना नहीं होगा, क्योंकि हमने इसमें लगाया है मोयन, मोयन काफ़ी अच्छी मात्रा में है, इसलिए अच्छे से चिकना नहीं होगा। और बस अब हमें इसको जितनी भी मात्रा में आपको यूज़ करना है, जो भी डिज़ाइन बनानी है वो हम बनाएंगे। तो उसके पहले हमने एक कटोरी में लिया है 2 चम्मच मैदा और 2 चम्मच ऑयल डालकर हमने इसका एक पेस्ट बना लिया है इस तरीके से। ये पेस्ट को हम यूज़ करेंगे आगे। तो बस इस तरीके से हमें डो बना लेना है, और इसको अच्छे से हमें एक बड़ी सी रोटी टाइप का बेलना है, हमें अच्छे से स्प्रेड करना है इसको। और आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए कि इसकी किनारी जो है वो फट रही है, डोंट वरी, वो सब एडजस्ट हो जाएगा आगे। लेकिन ज़रूरी है कि इसका टेस्ट कैसा है, ज़रूरी है कि ये कितने सॉफ्ट हैं, ये सारी बातें इससे भी ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं अच्छे से स्प्रेड कर रही हूँ, एकदम पतला सा रोटी टाइप का मैं बेल रही हूँ, एक्चुअल में रोटी से भी बड़ा। तो बस इसको मैं साइड पे रख दूंगी, और इसी टाइप की हमें 3 और प्रिपेयर करनी है। और यहाँ पर मैं आपको जो भी मठरी नमकीन की जो भी डिज़ाइन बता रही हूँ, बहुत ही खस्ता लगती है गाइस। और ये मठरी नमकीन को आप चाय के साथ, या फिर आपके घर में कोई भी गेस्ट आए हो उनको आप सर्व कर सकते हो, बहुत ही आपको तारीफ मिलेंगी। तो
यहाँ पर तीन रोटियाँ हम लोगों ने बना ली हैं। अब हमें क्या करना है, पहली रोटी पे इस तरीके से जो हमने पेस्ट बनाया था ऑयल एंड मैदा का, उसको हमें इस तरीके से स्प्रेड करना है अच्छे से। फिर हमें उसके ऊपर दूसरी रोटी रखनी है और उसके ऊपर भी इस तरीके से हमें स्प्रेड करना है। आप देख सकते हो मैं पूरी रोटी पर इस तरीके से स्प्रेड कर रही हूँ। और ये है हमारा थर्ड, इसको भी हमें अच्छे से स्प्रेड करना है हमारे बनाए हुए पेस्ट से। जितनी अच्छे तरीके से आप पेस्ट लगाओगे उतनी ही अच्छी आपकी लेयर निकल कर आएंगी, जो कि बहुत ही अच्छी लगती हैं खाने में और देखने में। तो इसको मैं अच्छे से फैला दूंगी और थोड़ा सा पुश करते हुए बेल दूंगी। तो ये देखिए हमारा रेडी है। और उसके बाद फिर हमें क्या करना है, इस तरीके से हमें रोल बनाना है, लेकिन याद रखिए एकदम टाइट रोल बनाना है, लूज लूज नहीं बनाना है। तो यहाँ पर मैंने देखिए रोल बनाकर रेडी कर लिया है और हमें इस तरीके से दबा देना है ताकि वो निकले ना। यहाँ पर देख सकते हो आप मैं कैसे दबा रही हूँ। उसके बाद फिर हमें दोनों साइड से ये जो इस तरीके से अलग लगता है आटा, उसको हमें कट कर देना है और फिर हमें इस तरीके से कट करते जाना है। आप देख सकते हो ये हमने लोई बना ली है, इनकी हम पूड़ी बनाने वाले हैं। तो इस तरीके से हमें लेयर को कट कर देना है। बहुत ही इजी डिज़ाइन है और देखने में काफ़ी सुंदर लगती है और खाने में भी काफ़ी खस्ता लगती है। तो बस इस तरीके से हमारे यहाँ पर 15 से 16 लोई बनके हमारी रेडी हो गई हैं। तो इनको मैं इस तरीके से प्लेट में रख दूंगी। अब हमें एक एक पूड़ी इनकी बेलनी है। तो यहाँ पर ये जो पोर्शन उठा हुआ है इसको नीचे दबाकर इस तरीके से पुश करने के बाद फिर हमें इसको बेलना है। ज़्यादा आप प्रेशर से मत बेलना है, बिल्कुल हल्के हाथों से हमें इस टाइप की पूड़ी बना के रेडी करनी है। और आप देख सकते हो एक एक लेयर आपको दिख रही है। इस तरीके से मैं सारी पूड़ी बेल कर रेडी कर लूँगी। आप देख सकते हो एक एक लेयर दिख रही है पूड़ी में। तो गाइस यहाँ पर हमने सारी पूड़ियाँ बेलकर रेडी कर ली हैं और यहाँ पर मैं दूसरा डो इस तरीके से प्रिपेयर कर रही हूँ और इसको भी अच्छे से मसलते हुए हमें एक अच्छा सा चिकना डो बनाना है। तो यहाँ पर डो बना के रेडी कर लिया है मैंने। तो इसको भी मैं बेलूँगी राउंड और बहुत बड़ा सा बेलना है हमें अच्छे से। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसको अच्छे से बड़ा कर लिया है और यहाँ पर ये जो किनारी आपको दिख रही है थोड़ी सी फटी हुई, उनको हमें इस तरीके से कट कर देना है। आप देख सकते हो तो ये हमारी परफेक्ट तैयार है रोटी। तो इसको हमें इस तरीके से कट करना है। आप चाहो तो चक्कू या तो फिर आपके पास कटर हो तो उससे भी आप कट कर सकते हो। तो इस तरीके से हमें देखिए ये लेयर टाइप की मिल जाती हैं। तो अगर आपका ये पट्टियाँ जो हैं वो बड़ी हैं तो इनको आप बीच से कट लगा सकते हो। तो इस तरीके से मैं सारे कट करते हुए सारी पट्टियों को इस तरीके से मैं एक प्लेट में रखती जाऊँगी। तो यहाँ पर मैंने ये रेडी कर लिया है और थर्ड डिज़ाइन मैं आपको दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने थर्ड डो लिया है, इसको भी मैं अच्छे से मसल मसल के इस तरीके से हमें रोल करना है इसमें, और एकदम चिकना टाइप का रोल करना है, बहुत पतला सा रोल करना है हमें, लंबा और पतला। तो बस इस तरीके से हमें पुश करते हुए रोल करते जाना है और फिर चक्कू की हेल्प से हमें इस तरीके से इसको कट करना है। तो ये हमारी थर्ड डिज़ाइन है और बहुत ही जल्दी बनके रेडी हो जाती है। बस सिंपली आपको इस तरीके से पतला सा रोल करना है और इसको कट कर देना है।
और ये जो डिज़ाइन है, ये जब इसको आप फ्राई करोगे तो बहुत ही टेस्टी लगती है। आप चाय के साथ एक एक उठाकर खा सकते हो। बहुत ही खस्ता नमकीन है ये। तो बस इस तरीके से हम सारे अपने ये मठरी है इनको कट कर लेंगे और एक प्लेट में इस तरीके से डालते जाएंगे। वैसे मठरी नमकीन बनाने के लिए बहुत बहुत ज़्यादा डिज़ाइन है। आप मुझसे भी ज़्यादा बहुत सारे डिज़ाइन जानते होंगे, लेकिन स्पेशली मैं जो जानती हूँ वो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो देखिए, यहाँ पर हमने तीनों डिज़ाइन इस तरीके से बना के रेडी कर ली है, जो बहुत ही सुंदर लग रही है अभी देखने में। तो चलो इनको फ्राई करते हैं, फिर देखते हैं कैसी लगती हैं। तो यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई में ऑयल रख दिया है और मैंने यहाँ पर मैं चेक कर रही थी ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हुआ है कि नहीं। गर्म हो चुका है ऑयल हमारा। उसके बाद यहाँ पर हमें पूड़ियाँ अच्छे से फ्राई करनी है। आप बिल्कुल आराम से डालिएगा, सावधानी से, तेल के छींटे जो हैं वो आपके ऊपर ना आ जाए। और ये जो पूड़ियाँ हैं हमें मीडियम फ्लेम पे फ्राई करनी है, इनको डीप फ्राई करनी है। और एक साइड अगर आपकी पूड़ियाँ फ्राई हो जाए तो आप इस तरीके से पलट पलट कर आप दूसरी साइड भी इस तरीके से फ्राई कर देना। और ये जो नमकीन है बिल्कुल बाज़ार जैसा लुक आता है और टेस्ट तो बाज़ार से भी अच्छा होता है, क्योंकि हमने इसको घर पे बनाया है, अपने हाथों से बनाया है और हमें सेटिस्फेक्शन है कि हमने जो भी बनाया है अच्छा बनाया है, साफ़ सुथरा बनाया है। तो बस इसको हमें इस तरीके से फ्राई कर देना है। और आप देख सकते हो एक एक लेयर बाहर निकल के आ रही है, एक एक लेयर बाहर निकल के आ रही है। काफ़ी खस्ता है ये। और बस इसी तरीके से हमें इसका टेक्सचर चाहिए ताकि हमें एक एक लेयर दिख पाए। तो ये देखिए, इसको हमें इतना ही फ्राई करना है। अगर हम ज़्यादा फ्राई करेंगे तो वो रेड हो जाएंगे और उसका स्वाद थोड़ा सा फीका हो जाएगा। तो बस इसको हमें अच्छे से एक टिश्यू पेपर में रखते जाना है। तो इस तरीके से मैं दूसरे बैच में सारी पूड़ियाँ भी फ्राई कर लूँगी। तो यहाँ पर हमने दूसरे बैच में सारी पूड़ियाँ भी इसी तरीके से फ्राई कर ली हैं। तो इनको हमें एक किचन टॉवल पर निकालते जाना है, अच्छे से ऑयल निचोड़ कर। तो उसके बाद फिर हम दूसरी डिज़ाइन फ्राई करेंगे। और ये जो पट्टियाँ वाली डिज़ाइन है इनको हमें इस तरीके से डालना है। बहुत ही जल्दी फ्राई हो जाती है, बस सिर्फ बनाने में थोड़ी सी देर लगती है, लेकिन फ्राई होने में बिल्कुल भी देर नहीं लगती और ना ही खाने में देर लगती है। अगर आप भी ये वाली रेसिपी अपने घर में ट्राई करो और घर में आए हैं जो भी मेहमान आए हैं उनको सर्व करो, मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आप बिल्कुल भी निराश नहीं होंगे और आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। कहीं भी आप लंबी सफ़र पर जा रहे हो, लॉन्ग जर्नी पर जा रहे हो, तब आप ये रेसिपी बना के ले जा सकते हो। बहुत ही इजी और क्विक रेसिपी है और बहुत ही टेस्टी भी लगती है। तो यहाँ पर हमने ये सेकंड डिज़ाइन भी इस तरीके से फ्राई कर लिया है और हमारे घर में तो ये जो मठरी नमकीन है स्पेशली मेरे फादर इन लोग को बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है। उनको तो चाय के साथ अगर ये दे दो ना तो वो बहुत ही खुश हो जाते हैं। तो बस स्पेशली उन्हीं के लिए यहाँ पर मैं बना रही हूँ, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पर मैंने थर्ड डिज़ाइन जो थी हमारी मठरी थी, इनको भी मैंने इस तरीके से फ्राई कर लिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये हमारी डिज़ाइन भी फ्राई हो गई है और इसमें काफ़ी जो बुलबुले उठ रहे थे वो भी बहुत ज़्यादा कम हो गए हैं। तो इसको भी हम निकाल लेंगे, नहीं तो फिर ज़्यादा रेड हो जाएंगे तो इनका स्वाद थोड़ा सा फीका हो जाएगा।
तो यहाँ पर मैं आपको डिश आउट करके दिखा देती हूँ ये सारी नमकीन। तो ये आप देख सकते हो इनका टेक्सचर कितना अच्छा है और बहुत ही सॉफ्ट नमकीन है। गाइस मुझे ये पूड़ियाँ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही हैं क्योंकि इनकी जो लेयर है ना बहुत ही अच्छे से निकल कर आए हैं। तो और ये तीनों डिज़ाइन बहुत ज़्यादा पसंद आती है हमारे घर में। तो आप भी इस रेसिपी को एक ट्राई दे सकते हैं और मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट कीजिए कि आपको ये मटरी नमकीन रेसिपी कैसी लगी। तो ये बहुत ही क्विक रेसिपी है और ये नमकीन मटरी आपकी कम से कम हफ्ते भर तो आराम से चल जाने वाली है गाइस। तो मटरी नमकीन बनाने के बाद मैंने थोड़ा सा रेस्ट लिया था, उसके बाद फिर मैं यहाँ पर जो कपड़े ड्राई हो गए हैं उसको मैंने उठा लिया है और बस मैं सारे कपड़े ले आई हूँ और इनको एक अच्छा सा फोल्ड देकर रख दूँगी। क्योंकि एक बात बोलूँ, मुझे ये कपड़े रखना ना बहुत ज़्यादा बोरिंग काम लगता है यार। क्या आपको भी लगता है? मुझे बहुत ज़्यादा बोरिंग काम लगता है इस तरीके से कपड़े फोल्ड करना। कई बार तो ये होता है ना कि मैं जब बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ ना तो कपड़े फोल्ड करना ही भूल जाती हूँ, तो वो एक कॉर्नर पर ऐसे ही पड़े रहते हैं। लेकिन हाँ, मुझे धीरे धीरे ये वाली हैबिट ज़रूर सुधारनी है। और क्या आपके साथ भी ऐसा ही होता है? आपको भी बोरिंग लगता है? तो बस यहाँ पर मैं कपड़े फोल्ड करके रख दे रही हूँ और अभी जो श्रेय है वो सो ही रहा है। बस श्रेय को उठाऊँगी और उसको कुछ हल्का फुल्का स्नैक वगैरह दूँगी। तो बस अब जो भी मेरा रेगुलर जो इवनिंग रूटीन होता है वो स्टार्ट होगा। तो व्लॉग आज का मेरा बस यहीं तक का था, थोड़ा सा लंबा व्लॉग था लेकिन आई होप कि आप सभी लोगों को पसंद आया होगा और मेरी ये रेसिपी भी आप सभी लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इस रेसिपी के लिए एक लाइक दीजिए और हाँ, इस रेसिपी को आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कर सकते हो, व्हाट्सअप फेसबुक पे शेयर कर सकते हो ताकि वो भी इस रेसिपी को ट्राई कर पाए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, हेल्दी रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।